अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अमार। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नारान कान और बाबू सर टॉप और झील सेवन मलूक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। इस वीडियो में मैं आपको झील सेवन मलूक की रास्तों के हालात और रोड कंडीशन, इसके अलावा नारान से बाबू सर टॉप वाले रोड की कंडीशन और इसके अलावा जो है बाबू सर टॉप का रोड कब ओपन होगा और कौन सी जगह पर अभी जो है काम जारी है और रोड जो है वो कहां तक ओपन हो गया और मज़ीद आगे कितने दिन लगेंगे रोड ओपन होने में, तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अभी अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ये जी नारान बाज़ार के मनाजर और ये अभी आप चेक कर सकते हैं नारान की रोड की कंडीशन और इसके अलावा वेदर कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। अभी जो है नारान का वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, बारिशें नहीं है और बिल्कुल खुशगवार मौसम है नारान में आजकल और रश भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता रश जो है ज़्यादा हो रही है लेकिन फ़िलहाल जो है इतनी ज़्यादा रश नहीं है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियां और चंद जो है वो टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो में भी। और इसके अलावा होटल्स वगैरह जो है वो नारान में तकरीबन सारे खुल चुके हैं और फिर से जो है वो काम वगैरह स्टार्ट हो गया है होटल्स वालों का। इसके अलावा शॉप्स वगैरह भी, बाज़ार जो है बिल्कुल ओपन हो गया है और बाकी हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है रिहाइश के लिए आपको नारान बाज़ार में। इसके अलावा झील चबल मलूक वाले रोड पर भी और नारान से आगे पटाकुंडी तक रोड ओपन है, वहाँ तक आपको जो है रिहाइश के लिए कमरे मिल सकते हैं, होटल्स मिल सकते हैं। इसके अलावा नारान में जो राफ्टिंग वाला पॉइंट है, राफ्टिंग भी चल गई है, राफ्टिंग भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा वहाँ पर ज़िप लाइन मौजूद है, ज़िप लाइन भी चल गई है, वो भी आप कर सकते हैं। और झील सैफुल मलूक का जो रोड है वो भी ओपन हो गया है बिल्कुल, तो आप झील सैफुल मलूक पर भी जो है वो यहाँ से नारान बाज़ार से जीप लेकर आप झील तक पहुँच सकते हैं और ये चेक करें जी। और होटल भी आपको जो है मुनासिब रेट में नारान में मिल जाएंगे, अभी इतनी ज़्यादा रश नहीं है तो होटल के रेट तकरीबन 3,000 से 5,000 6,000 इस तरह जो है मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब रश होती है सीज़न आता है तो फिर जो है रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, 5,000 10,000 इससे ऊपर भी जाते हैं। और जितना अच्छा कमरा होगा, अच्छा होटल होगा, लग्जरी होटल, तो उसके रेट्स भी जो है उसके हिसाब से ज़्यादा होंगे। ये चेक करें जी, ये झील रोड के मनाजर हैं, ऊपर झील की तरफ रोड जा रहा है और ये वाली रोड जो है ये सीधी आगे जो है बाबू सर टॉप की तरफ जा रही है और ये राफ्टिंग वाला पॉइंट है, ये आप चेक कर सकते हैं। जीप्स पर जो है यहाँ जो कश्तियाँ होती हैं राफ्टिंग वाली वो लेकर जाते हैं पीछे और वहाँ से बैठाते हैं लोगों को, यहाँ आगे तक आती हैं और यहाँ से फिर जीप में वापस लेकर जाते हैं पीछे की तरफ। तो राफ्टिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है और इसके अलावा ज़िप लाइन भी यहाँ पर जो है स्टार्ट हो गई है और ये दो एडवेंचर जो है आप इस यहाँ नारान से आगे आकर कर सकते हैं। और ये आप रोड की कंडीशन चेक करें नारान तक जो है रोड वो कहाँ से आगे थोड़ी ख़राब है रोड, और नारान से आगे जो बाबू सर टॉप वाली रोड है वो तो बिल्कुल पक्की रोड है लेकिन फ़िलहाल जो है वो बंद है, बाबू सर टॉप बिल्कुल ओपन नहीं हुआ। बटाकुंडी तक रास्ता जो है ओपन है, बटाकुंडी से आगे सोनी वाटरफॉल एक वहाँ तक जो है वो वाला ग्लेशियर क्लियर हो गया, वहाँ तक आप जा सकते हैं, उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर जो है कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा उससे आगे नीला ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है नीला ग्लेशियर, तो उस पर जो है अभी काम स्टार्ट है, वो काम अभी जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ ग्लेशियर, और वो ग्लेशियर क्लियर हो गए इसके आगे एक दो ग्लेशियर और हो गए छोटे छोटे, तो उनको क्लियर करने में 3-4 दिन लगेंगे। तो इसके फिर उसके आगे जो है दूसरा जो अपर कहानवेली का जो दूसरा मकाम है वो बड़वई है वो ओपन हो जाएगा। और ये आप चेक करें ये राफ्टिंग वाले पॉइंट के जो ग्लेशियर थे ये तो काफ़ी पहले क्लियर हो गए थे। ये जी झील सैफुल मलूक के ताज़ा तरीन मनाजर आप देख सकते हैं, अभी भी जो है बर्फ़ रहती है यहाँ पर और बर्फ़ पिघलने में भी 10-15 दिन मज़ीद लगेंगे, बिल्कुल ग्रीनरी आने में तकरीबन 1 महीना लगेगा, फिर जाकर यहाँ पर ग्रीनरी आएगी, जब बर्फ़ उठेगी तो ग्रीनरी तभी आएगी। अभी जो है लेक अभी भी फ्रीज है, यहाँ पर जो है सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, बर्फ़ वाली जो है ठंडी हवा चलती है और काफ़ी तादाद में जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं अभी जो है बर्फ़ को देखने के लिए, और इसके अलावा फ्रोज़न जो झील है इसको देखने के लिए काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आए हैं, सामने आप देख सकते हैं। और झील जो है वो बिल्कुल जमी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ की तह बनी हुई है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा झील भी है या नहीं है।
झील की जो रोड की कंडीशन है, कच्चा रोड है, 4x4 गाड़ी आती है तकरीबन नारान से 8-9 किलोमीटर के फासले पर जो है झील से अपन मलूक है। यहाँ पर आपको आने के लिए 4x4 गाड़ी की ज़रूरत होती है, जीप हो या आप अपनी 4x4 गाड़ी भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप अगर मकामी जीप वाले से रब्ता करेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वो ऐसे रोडों पर उनको उनको वो वाकफ़ होते हैं ऐसे रोडों पर जो है गाड़ी वगैरह चलाने के, तो आप आराम से जो है जीप लेकर यहाँ तक आ सकते हैं। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, और झील जीप का किराया जो पिछले साल था वो तकरीबन 4,000 साढ़े 4,000 इस तरह किराया था दोनों साइडों का। फ़िलहाल अभी का कुछ सही पता नहीं है, ये जो किराया 4,500 4,000 का था ये जीप यूनियन वालों ने मिलकर जो है डिसाइड किया था, तो जो भी गाड़ी होती वो तकरीबन सेम ही किराया लेती थी। इससे पहले ऐसा होता था कि कुछ लोग ज़्यादा ले रहे थे कुछ कम, लेकिन पिछले साल जो जीप यूनियन जो थी उन्होंने फिक्स किराया रखा था। और ये जो आप चेक कर रहे हैं मनाजर, ये नीरा ग्लेशियर पर काम लगे हुए 2-3 मशीनें लगी हुई हैं, तकरीबन 1-2 दिन में ये ग्लेशियर क्लियर हो जाएगा। इससे आगे वाले ग्लेशियर फिर ऐसे ऐसे क्लियर होंगे तो बड़वई तक जाकर जो है रास्ता ओपन होगा। और नारान का बाबूसर टॉप का जो है रास्ता ओपन होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो तकरीबन 15 जून है, तो उम्मीद है कि ये ईद से पहले पहले ओपन हो जाए ताकि ईद पर जो है बाबूसर टॉप तक जा सकें। वीडियो काफ़ी लंबी होगी और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, मालूमात मिली होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।